इस क्वेश्चन में जैसे आर्गन का पार्शियल प्रेशर अपन ने ए यूनिट में प्रेशर यूनिट में अज्यूम किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया? 2A। आर्गन का कितना माना प्रेशर यूनिट में? ए। अब इन दोनों का आ गया तो SO2 का कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 3A। तो एक तरह से हमें पता चल गया कि आर्गन इस टू O2 इस टू SO2 के प्रेशर का ऑर्डर है 1:2:3। तो इनका मोल्स का रेशियो भी PV=nRT से P:2 जो है वो n अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अदर आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, तो ये 1:2:3 हो गया। तो यहां से हम m मिक्सचर एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर फाइंड कर सकते हैं, m1 इसके मोल्स x आर्गन के, तो 1 लिख लेना, इसका मोलर मास कर देना ऑक्सीजन पर, ये m2 मोलर मास इसका 32, y इसका मोलर रेशियो 2 ले लेना, m3 SO2 का 64 मोलर मास, z3 ले लेना, डिवाइडेड बाय x+y+z। एक बार फिर से सुनिए, ये जैसे a है अज्यूम करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, तो ये 2a हो गया, ये 3 हो गया। अब अदर कंडीशन सेम है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो इनके मोल्स का रेशियो आ गया, तो एम मिक्सचर भी आ गया है ना, ये एक्स वाई जेड 1:3 हो जाएंगे, और मोलर मास हम इनके जानते ही हैं आर्गन O2 SO2 के, वो क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो पॉइंट ये है कि इसके बाद डेंसिटी फॉर्मूला लगाइए, DRT ओवर एम मिक्सचर, इस स्टेज पे हम ये एम मिक्सचर जान रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डेंसिटी फाइंड करिए। अदर डेटास हमें क्वेश्चन में गिवन है, ATM लीटर सिस्टम यूज कर लेते हैं, ये गिवन है, ये फाइंड करना है, ये 0.082। टेम्परेचर हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री थी, यानी 273 केल्विन इस तरह से ये हो गया। और एक करने का तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे NTP कंडीशन है 22.4 लीटर है, तो इनका टोटल मोल 1 मोल हो गया, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल मोल्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल मोल्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल मास आ जाएंगे, और D=m/V वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो वो मेथड भी एक बार और सुन लीजिए कि जैसे NTP कंडीशन है 1 मोल हो गया, तो इस सब से इंडिविजुअल मोल्स आ जाएंगे इस रेशियो में, तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर आ गया, वॉल्यूम दे ही रखा है, तो उससे डेंसिटी आ सकती है। दिस द आंसर।